नीट एंट्रेंस के अलावा और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करने में हेल्प करती है। कुछ स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के। सो आज के इस वीडियो में हम ऐसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए आपको सीनेट देना होता है। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मल्टीपल एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि नीट के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और नीट में कंपटीशन ज़्यादा है। सो अगर आप स्टेट एंट्रेंस देते हो तो वो आपके बेनिफिट में होता है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि स्टेट के लिए वहाँ पर सीट रिजर्व रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बाकी प्राइवेट के लिए तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी के ABVME से जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कॉलेजेस से वहाँ पे फीस कितनी है और कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जिसके लिए आपको सीनेट देना होता है। सीनेट है क्या? ये एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है जो कि स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट या ABVME से एफिलेटेड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन सभी में एडमिशन आपका सीनेट एंट्रेंस के थ्रू होगा। सो अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको सीनेट देना कंपलसरी है। सो यूपी कैंडिडेट गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल है एज वेल एज प्राइवेट के लिए एलिजिबल है, लेकिन अदर जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस और वो कौन कौन से टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं उसके बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा। बाकी आज हम बात करेंगे जितने भी गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे फ़ीस, सीट्स एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है, कितना चार्जेस वहाँ पे हॉस्टल के लिए या फिर मेस के लिए लग जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। टोटल 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है, जो कि 2023 में स्टूडेंट्स को उन 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिला था। अब ये कॉलेजेस हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 2024 में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को या तो आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर जब आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। बेसिकली जब काउंसलिंग होती है तो वहाँ पे आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस या फिर चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके लिए आपको फ़ीस पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला कॉलेज देखो, कुछ कॉलेजेस काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं। हमने कुछ इस तरीके से इसे अरेंज किया है कि पहले हम थोड़ा सा लो फीस देखेंगे एंड धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करेगा। ओके, सबसे पहला कॉलेज यहाँ पे हमने मेंशन किया है कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, ठीक। अब ये जो कॉलेज है बस्ती में है, यहाँ पर टोटल 60 सीट्स है। ओके, जितनी भी सीट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपको सीट मैट्रिक्स में दिखाया जाता है वो एग्जैक्ट सीट नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। अगर आप ये PDF चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कीजिए अगर नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वही टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको ये सारे PDF प्रोवाइड किया जाता है। और आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उसमें जितने भी मैं PDF शेयर करूँगी वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, ठीक है। तो जो ABVMU की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको एक प्रॉपर सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, अभी भी वो अवेलेबल है। एंड जब आपका काउंसलिंग होता है तो वहाँ पे भी वो एक न्यू फ्रेश या अपडेटेड PDF मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो या फिर फिल्टर करने में डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत कंपाइल करके चीज़ें दी जा रही है, सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आगे एडमिशन में। फ़ीस की बात करते हैं, ईयरली फीस है 36,000, जिसमें आपको हॉस्टल एंड मेस फीस इंक्लूडेड नहीं है। तो 36,000 में फ्लक्चुएट कर सकता है, हर साल आपको एग्जैक्ट अमाउंट पे करना पड़े ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट ईयर में आपकी जो फ़ीस होती है उसमें ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ बहुत सारे अदर फीस भी होती है, जैसे एडमिशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है जो कि बाद में आपका रिफ़ंड हो जाता है। सो 36,000 के आसपास आपको हर साल पे करना पड़ सकता है, एंड इसके साथ आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ीस हो सकता है। अगर हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। सो हॉस्टल अकोमोडेशन फ़ी है 4900 per annum, हर साल आपको 4900 पे करना होगा। मेस एंड फूडिंग की बात करें तो 46200 per annum, ठीक है। अगर आपको ये सारी फ़ी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो एक और बहुत सिंपल सी चीज़ है,
टोटल जो कोर्स फीस आपकी होगी बीएससी नर्सिंग की 4 साल के लिए वो है 1,14,000। ठीक है, अगर आपको फीस स्ट्रक्चर में कोई डाउट है जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से हम बाकी अदर कॉलेजेस के बारे में भी चेक करेंगे। रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज जो कि बांदा में, देन यहाँ पे 60 सीट्स है और 30,900 यहाँ पे ईयरली फी होगा। हॉस्टल अकोमोडेशन फी है 4,900। टोटल फीस आपकी 1,16,400 रुपीज़ है। ठीक है, नंबर थर्ड पे कॉलेज आता है हमारा राजकीय मेडिकल कॉलेज। सो इस कॉलेज में 60 सीट्स है, ये आपकी फीस रहेगी 28,800। एडमिशन के टाइम आपको 10,000 रुपीज़, 2,100 ये आपको अमाउंट पे करना होगा, प्लस ये आपकी ईयरली फ़ी होगी। हॉस्टल के लिए यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन एंड फूड चार्जेस क्या है वो सारा कुछ गिवन है। टोटल फीस आपका 1,17,000। ठीक है, नंबर फोर्थ पे जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीआरडी मेडिकल कॉलेज, कैंपस आपका गोरखपुर में है। सो इसके लिए 1,26,000। नंबर फिफ्थ पे है कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजर्षि, ये जो कॉलेज है अयोध्या में है, 40,900 अगेन, 1,26,400 टोटल फीस है। सो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम फीस देखने को मिलेगा। मोतीलाल नेहरू कॉलेज ये प्रयागराज में है, 40 सीट्स है सिर्फ, 1,26,400। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में है, यहाँ 60 सीट्स है और टोटल फीस आप यहाँ पे देख सकते हो 1,26,400। ये जो कॉलेज है अगेन सेम चीज़ें हैं, फीस आप देख सकते हो 1,26,000। नाइन्थ नंबर पे सेम फीस रहेगा आपका SMMH मेडिकल कॉलेज। तो ये सारे एक बार आप चेक कर लीजिएगा ये PDF, और आप अपने पैरामीटर के बेसिस पे एक बार लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा जब आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, अभी तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अभी से करो, लेकिन हाँ अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता है तो बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आप धीरे धीरे करके गैदर कर सकते हो। अगर हम यूपी के टॉप एंड रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है KGMU। KGMU लखनऊ में आप मेडिकल फील्ड में आप BSc नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है ये कॉलेज आपके लिए। इस कॉलेज में आप जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 1,27,800 फीस है टोटल, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1,03,800 फीस है। सो कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस है, हॉस्टल फैसिलिटी ऑफ कोर्स है। सो KGMU आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर वन पर रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद जो कॉलेज है बाकी सारे कॉलेजेस के बारे में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं जो इम्पॉर्टेंट कॉलेज है उसके बारे में बता देती हूँ। तो KGMU के अलावा एक आपके पास है राम मनोहर लोहिया, इस इंस्टीट्यूट की जो फीस है टोटल फीस 2,29,000 ज़रूर है, लेकिन आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में से सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर पर रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है SGPGIMS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर कॉलेज है नर्सिंग के लिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 57,000 आपकी ईयरली फीस है और 2,29,000 टोटल कोर्स फीस है। तो इन चार पांच कॉलेजेस को आप टॉप पे रख सकते हैं, जिसमें से आपका SGPGIMS है, UPUMS फैकल्टी ऑफ नर्सिंग है, KGMU है, उसके बाद आपके पास डॉक्टर RML है, LLRM है। तो मैंने आपको पांच ऐसे टॉप कॉलेजेस बता दिया है, और आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग भी इन कॉलेजेस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब ये सारे कॉलेजेस आपको एक बार चेक करना है। ये जो टॉप फाइव मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस बताए हैं, यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप चाहते हो अदर स्टेट को मैं कवर करूँ लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। देखो अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी वीडियोस आएगी। तो जितने भी एंट्रेंस कॉलेजेस बाकी अदर चीज़ें होंगी मेडिकल से रिलेटेड तो वो इसी चैनल पे आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।